अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग सब? आज मैं पिज़्ज़ा पराठा बना रही हूँ, उसके लिए मैंने 2 कप मैदा लिया है, 1 कप आटा मिक्स कर लिया दोनों को। आटे में शामिल करेंगे हम 3 टेबल स्पून ऑयल, 1/2 टीस्पून हम इसमें ओरिगैनो डालेंगे और नमक शामिल करेंगे और पानी से इसको हम भून लेंगे जिस तरीके से हम आटा भूनते हैं। उसके अलावा इसमें जो फिलिंग जाएगी पराठे की, उसमें मैंने ये पिज़्ज़ा सॉस लिया है, ऑलिव्स हैं, कुटी हुई लाल मिर्च है 1 टीस्पून, 1/2 टीस्पून ओरिगैनो है, नमक हस्बे जायका है और यहाँ मैंने 1/2 kg बोनलेस चिकन लिया था जिसको मैंने बॉईल किया है नमक और ऑयल डाल के। जब ये बॉईल हो जाएगा तो मैं इसको श्रेड कर लूँगी। आटे में मैं शामिल कर रही हूँ ऑयल, ओरिगैनो और नमक, पानी डालकर और इसको अब मैं गूंद रही हूँ। जी व्यूअर्स, आटा मैंने गूंद लिया है, अब मैं इसके पेड़े बनाऊंगी। आटे के मैंने छोटे पेड़े बना लिए हैं, अब मैं आपको बताती हूँ कि किस तरीके से हम इसमें फिलिंग करेंगे। एक पैन में मैंने 2 से 3 टेबल स्पून ऑयल लिया है, अब इसमें मैं शामिल करूंगी चिकन, तो 2 से 3 मिनट हम इसको फ्राई करेंगे। चिकन को मैंने फ्राई कर लिया है, अब मैं इसमें पिज़्ज़ा सॉस डाल रही हूँ। तो मैं डाल रही हूँ 2 टेबल स्पून, तो मैं इसको मिक्स करके देखती हूँ, अगर मुझे ज़्यादा ज़रूरत हुई तो मैं और डाल दूँगी इसमें। वन टेबल स्पून में और डाल रही हूँ। इसके बाद इसमें मैं सीजनिंग डाल रही हूँ, ये जो मैंने आपको दिखाई थी कुटी हुई लाल मिर्च, नमक और ओरिगैनो। अब इसमें मैं शामिल कर रही हूँ शिमला मिर्च छोटे टुकड़ों में कटी हुई, मैं इसमें ऑलिव्स डाल रही हूँ, ऑलिव्स चलेगा। अब इसमें मैं चेडर चीज डाल रही हूँ, तो मैंने कद्दूकस कर लिया था, इसमें ऐड कर देंगे। ये पिज़्ज़ा पराठा की फिलिंग तैयार हो गई है। करेंगे बस थोड़ा सा इसको मिक्स करेंगे हम, ये चीज़ भी थोड़ी सी मेल्ट हो जाए और ये बिल्कुल रेडी है इसकी फिलिंग पराठे की। इसको अब मैं निकाल रही हूँ एक बाउल में। इसको ठंडा करेंगे, ठंडा करके और फिर हम इसमें पराठे में इसकी फिलिंग करेंगे। अब मैंने 2 पेड़े लिए थे और उनको मैंने थोड़ा सा बेल लिया है और अब मैं इसमें फिलिंग शामिल कर रही हूँ। ये देखें, ऐसे हम इसमें फिलिंग रखेंगे। और ये जो दूसरा पेड़ा है ये हम इसके ऊपर रखकर जिस तरीके से हम आलू के बनाते हैं सेम उसी तरीके से। अच्छा, अब मैं इसको बेल लूँगी, इसके किनारे अच्छे तरीके से जोड़कर और इसको मैं बेलती हूँ। मैंने इसको बेल लिया था और इसको थोड़ा सा और बड़ा किया और इसके किनारों को मैंने जैसे समोसे के किनारों को मोड़ते हैं उस तरीके से आप इनको मोड़ लें। अब मैं इसको पकाने के लिए फ्राई पैन में डाल रही हूँ।
जब एक साइड इसकी सिक जाएगी अच्छे तरीके से, तो फिर मैं इस ऑयल इस पर लगाऊंगी। जी व्यूअर्स, ये एक तरफ से सिक गया था, तो मैंने अब इनके ऊपर ऑयल लगाया है दोनों साइड्स पे। क्या आप देख रहे हैं, इसका कलर अच्छा आ रहा है। अभी ये पकेगा, हल्की आंच पे इनको पकाना है हमने। जी व्यूअर्स, ये देखें कितना अच्छा इसका कलर आया है, आपको दोनों साइड से दिखाती हूँ, ये देखें। तो व्यूअर्स, मज़ेदार पिज़्ज़ा पराठा तैयार हैं। आई होप आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी, ज़रूर ट्राई करें और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।